हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि ठीक होंगे। आज मेरा कॉलेज का लास्ट दिन है। आज ही मैं कॉलेज को अपना इस्तीफा देंगे क्योंकि आज मेरा एग्जाम हुआ फाइनल और इस ज़िंदगी में यह कॉलेज में नहीं आएंगे। जो मकसद से आ रहा था वो मकसद मेरा पूरा कामयाब हो चुका है। दो बार ग्रेजुएशन भी किए, एक बार उर्दू ऑनर्स किए, एक बार हिस्ट्री ऑनर्स किए। मैं 2017 का स्टूडेंट हूँ। आज के बाद कॉलेज में आना हुआ कैंसिल, आज के बाद नहीं आएंगे। तो आज मैं इन तो गाइस आज मेरा कॉलेज का लास्ट दिन था क्योंकि मैं यार ये कितनी ऑसम है यार। दो पल रुकी ख्वाबों की कारवां और फिर चल दिए तुम कहां हम कहां। अभी मेरा दोस्त यार अगर मेरा ब्लॉग को देखेंगे तो उसके लिए मैं बहुत दिल से ही उसको मिस करेंगे और दिल से उसे थैंक्स कहना चाहते हैं कि आज के बाद शायद कभी मुलाकात हो या ना हो, और मुलाकात भी होगी तो किस स्थिति में होगी, किस हालत में होगी, वो तो मुझे नहीं पता, वो तो अल्लाह ही जानता है। तो खैर हमसे बेटर तो अल्लाह ही जानता है। तो उसके लिए गाना गिर जा रहा का गाना है, दो पल रुकी ख्वाबों की कारवां और फिर चल दिए तुम कहां हम कहां। मतलब मंजिल तो बहुत है लेकिन सब कोई अपना अपना मंजिल पर चलेंगे, लेकिन जिस मंजिल पे हम लोग आ रहे थे वो मंजिल आज से हम लोग का हुआ ख़त्म। यहीं तक हम लोग का लाइफ था। अब आगे क्या करना है तो अपने करियर को खुद अपने पर ही फोकस करना पड़ेगा। चाहे जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी भाई लोग हैं, अब वहाँ तक गार्जियन का सपोर्ट होता है। कभी भी प्यार करना लेकिन लड़कियों पर भरोसा मत करना, क्योंकि लड़की छोड़ के चली जाती है और लड़का का करियर खराब कर दे। लड़की को तो कोई ना कोई तो है जो उसके लिए करियर बना रहा है, लेकिन जब हम किसी लड़की के घर पर सवाल देते हैं ना तो क्या बोलते हैं, तुम्हारा करियर क्या है, करियर पूछती है, और मेरा करियर एक लड़की के पीछे लगा देते हैं। उसको तो हमसे बेस्ट कोई और मिल जाता है करियर के लिए। सुकून का नाम सुना है? हाय हाय, इतना सुकून। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे, क्योंकि हम लोग आए थे आज एग्जाम देने के लिए। एग्जाम हम लोग का किसी का सेंटर मारवाड़ी कॉलेज में ना हो, यहाँ पूरी व्यवस्था जो है परीक्षा का वो पूरी तरह से ठप है। न कमरा में सही तरीके से, न पंखा का इंतजाम है, न लाइट है, ना लाइट के अंदर जाए, कोई किसी अच्छे तरीके से ना हो। तो ये भाई साहब का कहना है तो खुदा ना करे किसी का सेंटर यहाँ पर है, क्योंकि इसका मेन कारण ये है कि आज तक इसी से कोई लड़की पटी नहीं, इसलिए ऐसा ये दुआ करते हैं कि इसको कोई ना कोई एक बुढ़िया मिल जाए, नेंगली लुली जो भी हो, क्योंकि ये भाई के कुछ बन जाए, किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए। तो इसका कहना है कि यार कोई सीखा सेंटर ना पड़े, तो इसके लिए क्या बदवा दिया है। अब भाई टेंशन नहीं, यहाँ अपने शादी में दावत करेंगे आपको, जरूर आएंगे भाई, खिलाएंगे नहीं, खिलाएंगे नहीं। तो यहाँ पे जितने सारे सब मेरा दोस्त है, इन लोगों से मिलकर हमको बहुत खुशी हुआ, बहुत एक्साइटेड है। इसका बयां क्या करेंगे आपको, आप समझ में नहीं आ रहा है। जो भी है यहाँ पर सब है। तो हम लोग आज आए थे एग्जाम देने के लिए बीए पार्ट थर्ड का, हम सब फाइनल आज हुआ एग्जाम, फाइनल फाइनल हो चुका है। रोज गाड़ी बदल कर कुछ फर्क ये भी है, और इस भाई ने सोचा तो चलो कोई ना कोई तो मिल जाएगी, इसलिए हर रोज बाइक बदल के लेके आता है, इसलिए कोई भाव नहीं दे रही है। यही है, देखिए भाई, देखिए हम आपको यही कहना चाहते हैं, मेरे पास एक लड़की बैठी थी उसके लिए शायर है, फासले कुछ ऐसे होंगे मैंने सोचा ना था, फासले कुछ ऐसे होंगे मैंने सोचा ना था, वो मेरे सामने बैठी थी पर वो मेरा ना था। क्या करूं, इसीलिए मेरा दिल टूट गया। आज जा रहे हैं हम घर, और कभी नहीं आएंगे कॉलेज में, साला मुंह दिखाने भी नहीं आएंगे। मेरा दिल टूट गया, हम तो अपने लिए नहीं, मेरे बाप की वजह से आ रहे, डर के मारे मेरा बाप हर रोज मार मार के मेरा टेंगड़ी तोड़ देता है, साला बात उस दिन हम मार मार के मेरा बिस्तर भी पेशाब कर गिला कर दिए थे, लेकिन क्या करें। इसलिए आज हम जा रहे हैं कॉलेज से, यहाँ से निकल रहे हैं, आज ही मेरा लास्ट दिन था इस कॉलेज में, और नहीं आएंगे मुंह दिखाने के लिए। साला 2017 से कॉलेज आ रहे हैं, साला एक भी लड़की नहीं पटी, तो इसलिए हम बहुत मायूस हो गए। आज जा रहे हैं और कभी नहीं आएंगे कॉलेज में। आज के लिए अलविदा, बाय बाय।